इंटर कास्ट थे, एक दूसरे से शादी नहीं हो पा रही थी, तो उनका शादी दूसरी जगह लगने लगी जो है दूसरे जगह लगने लगी थी। तो क्या आप लोगों ने घर पे बताया नहीं था कि नहीं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? हुआ फिर ऐसे नंबर शेयर हुआ तब बात करने लगे। ऐसे हम लोग रोड पे ज़्यादा बात नहीं। भैया की शादी है तो ये अपने घर जाएंगे, फिर हम अपने घर जाएंगे, फिर इसके बाद इनकी जिस शादी हो जाएगी भैया की, तो फिर उसके बाद हम यार बहुत परेशान किए थे घर वालों को, कुछ जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल। ऐसा हुआ था मतलब अधिक रिलेशन वालों ने, रिलेशन वाले उतना नहीं, तब भी रिलेशन वाले कहे थे जितना कि अगल बगल वाले। दोस्तों अभी मैं हूँ बनारस में, और बनारस की मैं भदैनी घाट पर हूँ। एक बार पीछे दिखा दीजिए भदैनी घाट को। और आज यहाँ पर आने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूँ कि मेरी पिछली वीडियो की तरह जिस तरह मैंने स्वाति और पीयूष का वीडियो किया था, और आपने उस वीडियो को बहुत प्यार भी दिया था, और उसी हिसाब से आज मैं एक और वीडियो आपको उसी टॉपिक पर दिखाऊँगा, और ये भी एक लव स्टोरी वाला वीडियो रहेगा। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे सामने जो दो नवविवाहित जोड़े हैं, और ये भी जो है अपने घर से भागकर शादी किए हैं। शादी करने का कारण क्या है, घर से भागने का कारण क्या है, क्या फैमिली वाले जो थे वो सपोर्ट नहीं किए, या क्या कारण रही, सब कुछ जानेंगे हम एकदम सेम स्वाति पीयूष की तरह। तो बन रही वीडियो में चलते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जी सर, मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित कुमार आपका नाम? हाँ। और आपका नाम क्या है? शिखा पटेल। अच्छा, सबसे पहले आप दोनों को नवविवाहित जोड़े जो आप लोग बने हैं नए, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई आपके शादी के लिए। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और आप पहले मुझे ये बताइए, आपकी सबसे बड़ा कारण क्या है घर से भागकर शादी करने का? हम लोग का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग इंटर कास्ट थे, एक दूसरे से शादी नहीं हो पा रही थी, तो उनका शादी दूसरी जगह लगने लगा था, तो उसकी वजह से हम लोग को ऐसा कदम उठाना पड़ा। सत्य बात है ये? हाँ, ये सत्य बात है। अच्छा, कि मतलब आपकी शादी जो है दूसरे जगह लगने लगी थी। तो क्या आप लोगों ने घर पे बताया नहीं था कि नहीं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? नहीं, हम लोग का रिलेशन पिछले 6 सालों से था, जिसमें कि हम लोग बहुत पहले ही बता दिए थे। जब 2 साल का रिलेशन हुआ था तभी हम लोग बता दिए थे कि एक दूसरे से बात करते हैं, तो घर वालों। यानी 6 साल का रिलेशन है। फिलहाल आपकी एज क्या होगी? एज इसमें 21 है। 21 है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि लगभग 14-15 साल की उम्र से आप दोनों लोग एक दूसरे को जानते हो, सही है ना? हाँ हाँ। और तभी से आप दोनों के बीच में जो है प्यार का जो अट्रैक्शन हुआ वो शुरू हुआ? हाँ। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि 14-15 साल की उम्र में जो आप लोगों के बीच में प्यार हुआ, कहीं ना कहीं वो एक बाल्यावस्था रहा होगा? हाँ, उस समय हम लोग की 9th की क्लास चल रही थी। अच्छा, स्टूडेंट। कैसे आखिर आप दोनों के बीच में प्यार कैसे हुआ? हम लोग ऐसे मिले थे कि इनका स्कूल मेरा स्कूल अलग अलग था, लेकिन जाने का जो रास्ता था ना वो एक ही था, तो एक ही रास्ते पे हम लोग मिले थे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहली मुलाकात आपकी इनसे किस कैसे हुई थी? वही स्कूल रास्ते में ही। स्कूल के रास्ते में ही हुई थी मुलाकात? तो उसके बाद क्या हुआ? वही बातचीत हुआ, फिर ऐसे नंबर शेयर हुआ तब बात करने लगे। ऐसे हम लोग रोड पे ज़्यादा बात नहीं करते थे। और हमें आप ये बताइए कि क्या आपके जो इस प्रकार से आप भाग कर जो है शादी किए हैं, आपके फैमिली वाले खुश हैं? हाँ, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया ना, तो इसलिए अब सब कुछ नॉर्मल। नहीं, जब आप घर से भागकर शादी किए थे तो आपके फैमिली वाले खुश थे? नहीं, उस समय खुश नहीं थे, क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में सब चले गए थे उस समय। आपके फैमिली वाले खुश थे इस शादी से, जब आपने शादी किया था? तो नहीं। दिक्कतें क्या आई थी? वही कास्ट को लेकर। कास्ट को लेकर? हाँ। मतलब कि फैमिली वालों का ये कहना था कि हम इंटर कास्ट मैरिज नहीं कराने देंगे? नहीं। हाँ, ये। और आपके फैमिली वाले भी इसी में ऐसे ही? वही था कि इंटर कास्ट नहीं होगा। तो आपने अपने फैमिली वालों की बात नहीं मानी और आप दोनों लोग भागकर शादी कर लिए। हाँ। क्या आपका जो प्रेम है, वो माता पिता से बढ़कर था? नहीं, माँ बाप से बढ़ के तो नहीं है भैया। तो फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्योंकि उनका शादी लगने लगा था, इसकी वजह से हम लोग को ऐसा कदम उठाना पड़ा था। आपकी शादी लगने वाली थी? हाँ। अच्छा, आपकी शादी आपके फैमिली वाले लगवा रहे होंगे? हाँ। तो वो नहीं चाहते थे कि इनसे शादी आपकी हो? नहीं, वही बोल रहे हैं ना, कास्ट को लेकर। कास्ट को लेकर? हाँ। अच्छा, तो क्या आप लोग कोई काम भी, कोई मतलब जॉब भी करते हैं? हाँ, अभी हम लोग का जो है कि यूट्यूब पे ब्लॉगिंग चलता है, वैसे जॉब कोई कंपनी वाली नहीं है। यूट्यूब पे एक ब्लॉगिंग चलता है बनारसी जोड़ी नाम से। बनारसी जोड़ी नाम से आपका चैनल है? हाँ। यानी यूट्यूब पर यूँ कह सकते हैं। हाँ। और आपका भी कोई चैनल है? नहीं, वही हम लोग का। अच्छा, दोनों लोग एक ही चैनल पे काम करते हैं? हैं। अच्छा,
तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आप जब घर से आप लोग भागे थे तो शादी का प्रोसेस कैसे रहा, कैसे आप लोगों ने शादी की? यहाँ से हम लोग निकल गए थे रात के समय का टिकट बुक किए थे बस का, और सुबह में हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे। दिल्ली पहुँचे? हाँ, तो दिल्ली के नोएडा में हम लोग रुके थे, तो वहीं पे हम लोग मंदिर से जाके शादी किए थे, कोर्ट से उस समय नहीं किए थे हम लोग। फिर उसके बाद जब हम लोग घर आए तो घर वालों के द्वारा कराया गया था सब कुछ। अच्छा, घर वाले शादी कराए थे आने के बाद? हाँ। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ मंदिर से शादी किया था आपने? हाँ। और कोई मतलब रहे होंगे मंदिर में जो भी पुजारी रहे उनकी? हाँ, वजह शादी की? हाँ, होगी ना? फिर हाँ। अच्छा, और ये बताइए शादी को कितने समय हो गया आपके? हम लोग के शादी पिछले जून में हुआ था हम लोग का, तो करीब पिछले जून में। हाँ, यही पिछले मतलब लगभग यूँ कह सकते हैं एक साल होने वाले हैं आप लोग के शादी को। सात महीने मतलब 7 महीने शादी को हो गए आपके। और आपका विवाहित जुड़ा जो है, यानी आप जब आपने शादी कर लिया है तो क्या आप लोग खुश हैं? हाँ, एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। फैमिली से अलग हैं, खुश हैं? नहीं, फैमिली से अलग हैं, फैमिली का थोड़ा वो कमी महसूस होता है, लेकिन प्रॉपर बात होती है हम लोग के घर पे, इसलिए कमी भी मतलब घर वाले से बात होती है? हाँ, घर वाले से हमेशा बात होती है, आते रहते हैं। जब घर वाले आपके शादी से खुश नहीं हैं, आप लोग घर से भाग कर शादी किए हो, उसके बाद घर वाले से कैसे बात होती है आपकी? फिर हम लोग को वही आए, जब हम लोग नोएडा से पुलिस पकड़ी थी, फिर घर आए तो शादी कराए, तब से सब अच्छा हो गया। अब मतलब तो फैमिली वाले मान गए? हाँ, अब तो ब्लॉक में भी घर वाले आ जाते हैं, ब्लॉक में भी हमारे रहते हैं घर वाले। ब्लॉक में भी घर वाले आ जाते हैं? हाँ, तो आप लोग घर क्यों नहीं आते हैं अपने? इनके भैया की शादी है तो ये अपने घर जाएंगे, फिर हम अपने घर जाएंगे, फिर इसके बाद इनकी जिस शादी हो जाएगी भैया की, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे। मतलब आप लोग घर जाएंगे, घर पे ही रहेंगे? हाँ, मतलब क्योंकि रीति रिवाज के हिसाब से कि बड़ी बहू जब घर में जाएंगी उसके बाद लेकर जाएंगे। अच्छा, मतलब आपके बड़े भाई की शादी अभी होनी बाकी? हाँ, है कुछ दिनों में है शादी। यही आपने कर लिया पहले ही शादी? हाँ। ये अजीब नहीं लग रहा है कि मतलब हमारे बड़े भाई अच्छा समाज वाले क्या कहेंगे? आपने नहीं सोचा कि भाई बड़े भाई की शादी हुई नहीं, छोटे भाई ने शादी कर लिया? हाँ, ये चीज़ तो मन में आ रही थी, बहुत ज़्यादा आई थी जब हम लोग निकले थे घर से, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मन में आई थी कि यही सब था कि बड़े भाई। और कहीं ना कहीं जब आपने भागकर शादी किया होगा तो आपके फैमिली के में आपके जो समाज वाले हैं कहीं कि आपकी फैमिली ऊपर उंगली उठाए होंगे कि मतलब आपके लड़के ने जो है भागकर शादी की। हाँ। आपकी लड़की ने जो है भागकर शादी की। हाँ। तो माँ बाप को झेलना नहीं पड़ा होगा? बहुत। माँ बाप को ताने सुनने पड़े होंगे? हाँ। आपके माँ बाप को भी ताने सुनने पड़े? बहुत ताने सुनने पड़े। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि आपने ये चीज़ करके गलत किया है? हाँ, गलत तो किए हैं हम लोग, गलत किए हैं। ये बात इस बात का एहसास है, एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़। आप भी एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। और आपने शादी इनसे इसलिए बस इतनी जल्दी कर ली क्योंकि इनकी शादी कहीं और लगने वाली थी? हाँ, इनकी शादी बस इसीलिए तय होने वाला था रिश्ता, मतलब लड़के देख लिए गए थे, तय करके जो छिकैया कहते हैं वही होने वाला था। अच्छा, तो आपने इनसे बोला था शादी करने के लिए या फिर आप इनसे बोले थे शादी करने के लिए? जब आपका जो है कि शादी कहीं तय हो रहा था तो आपने इनसे बोला था करने के लिए कि इन्होंने बोला था? इन्होंने बोला और हमने भी बोला था, मतलब दोनों लोगों की मर्जी उसमें थी शादी करने की। अच्छा, अब बनारस में कहाँ रहते हैं आप लोग? यही हम लोग बनारस में, यही सुंदरपुर में रहते हैं। सुंदरपुर में रहते हैं बनारस? हाँ, हम लोग का मार्केट और घर कहाँ पे है? हमारे बनारस के गाँव में है, सिटी से करीब। बनारस के ही रहने वाले हैं? हाँ, और बनारस में ही रहते हैं? हाँ, इसमें बनारस में ही रहते हैं। अच्छा, तो इस टाइम आपका जो है सिर्फ चैनल चलता है, तो और जो है कि जो अपना आपका जो जीविका है वो कैसे चलती है? वो मतलब कि जैसे कि यूट्यूब से भी कुछ पैसे आ जाते हैं और कुछ पैसे घर से भी आ जाते हैं। आपने चैनल का नाम क्या बताया, फिर से हमारे दर्शकों को बताइएगा एक बार? बनारसी जोड़ी। बनारसी जोड़ी। इनके चैनल को अगर आप देखना चाहते हैं, इनके चेहरे को देखना चाहते हैं, साथ साथ इनके फैमिली वालों को देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि इनके ब्लॉग में जो है इनके फैमिली वाले भी आते हैं, तो बनारसी जोड़ी सर्च करें या फिर आपको इनके चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप देख सकते हैं इनके चैनल का जो स्क्रीनशॉट है वो आपके वीडियो में चल रहा है ऊपर, और वहाँ से जाके इनके चैनल को आप सर्च कर सकते हैं और उनके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप इनको वीडियो में देखना चाहते हैं तब। अच्छा, हमें ये बताइए आप कि जब आप लोग घर से भाग कर शादी किए थे तो आपके रिलेशनशिप वालों ने क्या सोचा था, जो रिश्तेदार रहे होंगे? रिश्तेदार बहुत परेशान किए थे घर वालों को, कुछ जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिए। ऐसे लोग बहुत तरह के ताने मारते हैं कि आपकी लड़की ने भाग कर शादी कर लिया, आपके लड़के ने भाग कर शादी किया, आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए थे, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। हाँ, तो यही बात हुआ कि बहुत ताने मारे थे रिलेशन वाले और आस पड़ोस वाले। और आपके घर पे क्या हुआ था इस चीज़ को लेकर? मेरे घर पे भी ऐसा हुआ था,
अधिक रिलेशन वालों ने, रिलेशन वाले उतना नहीं, तब भी रिलेशन वाले कहे थे जितना कि अगल बगल वाले पड़ोसी ने, मतलब यूं कहें कि पड़ोसियों ने ज्यादा परेशान किया। हाँ, ज्यादा परेशान किए पड़ोसी, मतलब आपकी लड़की भाग गई, ऐसी नेचर की थी, वैसे नेचर की थी, है ना, उंगली उठाते हैं लोग। हाँ, तो ये दोनों जो आज विवाहित जोड़े हैं, पहले कपल रहे हैं और 14-15 साल की उम्र से जो है इन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद फिर जब घर वाले नहीं माने तो इन्होंने शादी किया। अच्छा, हमें रोहित जी ये बताइए, अभी आपकी उम्र 21 है यानी 21 साल की है, तो आपने कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं सोची कि नहीं हमें कभी कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, या फिर हम कभी सक्सेस हो जाते तब इनसे शादी करते, या फिर इनके माँ बाप से बात करके एक बार कहते कि अभी शादी इनकी मत करिए, अभी हम जब कुछ बन जाएंगे लाइफ में, कुछ कर लेंगे, उसके बाद फिर शादी करेंगे? हाँ, तो इनके भैया से बात हुआ था हमारा, लेकिन भाई जैसे मेरे पापा बोलते थे इंटर कास्ट है, ऐसे इनके भैया भी बोलते थे इंटर कास्ट है। और बात रही गवर्नमेंट जॉब की, तो अभी भी हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते रहते हैं, ब्लॉगिंग हमारा चलता रहता है, इधर जॉब के लिए तैयारी करते रहते हैं हम लोग। अच्छा, और आपने अपने फैमिली से नहीं बोला कि कम से कम कुछ समय दीजिए, इनको दीजिए समय, कम से कम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे तब शादी करेंगे, आपने रिक्वेस्ट नहीं रहे थे ना? अच्छा, बिल्कुल नहीं करने के लिए तो कैसे? अच्छा, मतलब अगर इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो जाती तब भी नहीं करते शादी, मतलब ये है उस समय? हाँ, कास्ट के लोग हमको लगता है नहीं करते, बस समाज की वजह, समाज जितना घर वाले नहीं कहेंगे उतना समाज वाले कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम हमेशा इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि समाज वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या करेंगे, तो एक बात बताइए, हम हर जगह ये चीज़ देखा जाता है, और दर्शकों को भी ये कह देना चाहता हूँ, हर जगह ये देखा जाता है कि कहीं भी कोई घटना होती है, समाज क्या कहेगा, समाज वाले क्या कहेंगे, और समाज वाले उंगली उठाएंगे, तो ये कब तक ही चलता रहेगा? यानी कि समाज वाले जो है कि आपके घर में तो आ नहीं रहे हैं, आपकी जो परेशानी, आपकी जो परेशानी है, परेशानी में साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमें समाज को लेकर चलना जरूरी है? नहीं, हम तो कहते हैं समाज के एकदम मत सुनो, समाज आज हम ऐसे हैं तो समाज वाले हंसेंगे, ठीक है? साहब, मैं ये नहीं कहता कि समाज में क्या होना चाहिए, समाज को लेकर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन हम लोगों के विचार जानना चाहते हैं कि आखिर उनका विचार क्या होता है इस चीज़ में, तो आपके विचार हैं कि यानी हम समाज को लेकर नहीं चलना चाहिए? नहीं। और आपने वही किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माँ बाप की बेइज्जती हुई थी। हाँ, बेइज्जती तो हुई। और आपके क्या विचार हैं इसमें? हमारे भी यही विचार हैं सर कि जैसे कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि भाग कर जो शादी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि और समाज को लेकर क्या कहते हैं कि भाई समाज को लेकर चलना चाहिए, या फिर समाज जैसे है कि जो भी उंगली उठाते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता? सर, जब समाज खुद ही उंगली उठाता है तो समाज को क्या देख कर चलेंगे, अगर सही करेंगे तो वाहवाही करेंगे, और अगर कुछ भी थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो वही समाज उंगली उठाने लगता है। यानी कहीं ना कहीं गलती तो की है, और गलती का एहसास भी है। हाँ सर। अच्छा, तो आगे का क्या प्लान है अब लाइफ में, क्या करने का? आगे यही जॉब वॉब की तैयारी करते रहते हैं हम लोग। और अभी जॉब की तैयारी करते हैं? हाँ, ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी पढ़ाई कर रही है? BA थर्ड ईयर अभी मेरा है। और आपका क्या है? मेरा डी फार्मा चल रहा है। अच्छा, पर ग्रेजुएशन कर लिए हैं आप? हाँ नहीं, डी फार्मा चल रहा है ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन डी फार्मा चल रहा है। हाँ। अच्छा, और आप ग्रेजुएशन कर रही हैं यानी? हाँ, बीए बीएससी कुछ भी कर रही हैं? हाँ, बीए कर रहे हैं। अच्छा, मान ली सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी होगा। हाँ। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो है कि आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे? हाँ, करें। और आफ्टर ग्रेजुएशन आप भी जो है? हाँ। इसकी तैयारी करेंगे अभी, या फिर कर रहे होंगे? अभी कर ही रहे हैं। अच्छा, तो इन दोनों के बारे में जो है आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी स्वाति पीयूष की जो मैंने वीडियो करी थी उसके लिए आपने इतना प्यार दिया था, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर स्वाति पीयूष की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी इनके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप सर्च करके भी देख सकते हैं बनारसी जोड़ा, बनारसी क्या बताएं, बनारसी जोड़ी सर्च करके आप देख सकते हैं। बाकी हम दोनों का आज इन दोनों से बात किया मैंने आज, वो बातें कैसी लगी, इस पर आपके क्या विचार हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।